अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकि वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकि वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकि वल्लभम् जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकि वल्लभम् हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकि वल्लभम् कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकि वल्लभम् यू हैव टू डांस विद मी कॉपी कर रहा है वो कॉपी
वेरी गुड सुनाती हूँ कि पहले के समय में होता क्या था। महिलाएं ये कहती थी कि ये आएंगे, क्योंकि समय भरपूर होता था कि ये आएंगे, अब सोचेंगे, बात करेंगे, तब बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, महिलाएं ये कहने लगी चलो आपस में डिस्कस करके पूछेंगे कि क्या क्या खाना है। कुछ दौर आया ना, अलग अलग दौर आए, तो ये होने लगा। तो उसके बाद जब से मोबाइल आया है महिलाएं क्या बोलती है, अब ये आएंगे बनाएंगे तो खाएंगे। सही बात है, तो क्या बात है, तुम्हें समझ ना आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे बीच बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार हैं। मैं हमारे सामने डागर साहब बैठे हुए हैं और चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत को नभी नहीं कहूंगी जब तक हम लोग टाइम पास करते हैं। और दिल्ली के हमारे पास आनंद डॉन साहब बैठे हैं। कमाल है भाई। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ डॉन। मुझे जीने दो, जीने दे, 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 दे। किरण जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्या बात है।
जैसे उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम यहाँ पे चित्तौड़ में और बहुत जबरदस्त मतलब एंकर तो गणेश सिंह बहुत अच्छा थे और आशा भोसले की बड़ी फैन है। जिस अंदाज में आपने गाया फीलिंग के साथ गाया सर ताली तो बनती है। जिंदगी में कभी खुशी होती है तो कभी कम होता है। सुनील जी जिंदगी में कभी खुशी होती है तो कभी कम होता है। ताली वही बजा सकते जिनका दम होता है। और आपने कहा था कि ताली बजाने का एक फायदा मिलता है। ताली बजाने का एक फायदा भाई बता सकते हैं। बारी आती है हमारे आज के ऑर्गेनाइजर अभी जोरदार तालियों के बीच में अभी हाथ मेरा गीत अमर कर दो होठों से झूलो मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ गीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो होठों से झूलो मेरा गीत अमर कर दो दशरथ
show is presented by Art Jain Production House. आप सभी जानते होंगे कि गजल थी उन्होंने बड़े मन से गाई थी और आपको पता है कितना बड़ा हादसा हुआ था उनकी जिंदगी में। उन्होंने ये बोला था कि कुछ ऐसी लाइनें थी कि उठाने मुझे कुछ अभी याद नहीं आ रहा। उसी दिन उसी घड़ी इधर वो गा रहे थे उधर उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। तो ऐसे ऐसे हादसे उन्होंने इतने मन से गाई थी कि ऊपर वाले ने शायद उनकी बात सुन ली। कहते हैं कि हर चीज, हर बुरी घटना या बुरी बात के पीछे कुछ ना कुछ ऊपर वाले का, आप सभी के लिए कुछ अच्छी बात छिपी होती है। हम जितना नहीं सोचते अपने लिए उससे ज्यादा वो आपके लिए सोचता है। तो कभी भी आप हमेशा से गॉड को थैंकफुल होइए हर चीज के लिए। शुक्रिया। मुकेश साहब का एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो मेरे को बहुत पसंद है, आशा करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। जवान तेरी आय रे आय गम की कहानी तेरी, छोटी सी ये दुर्गानी रे चार दिन की जवान तेरी आय रे आय गम की कहानी तेरी। Thank you.
वो मन अंधेरा छाए दिग दिल घबराए बाबुल का घर छूटा जाए अखियन घोर अंधेरा छाए दिग दिल घबराए आँख से टपके दिल का खजाना दिल का खजाना छोटी सी ये जिंदगानी रे चार दिन की जवानी तेरी हाय रे हाय गम की कहानी तेरी छोटी सी ये जिंदगानी रे चार दिन की जवानी तेरी हाय रे हाय गम की कहानी तेरी अच्छा। और सबसे पहले अनुज जी मैं आपकी तरफ से पूरी दिल्ली वालों की तरफ से आरजे रवि साहब को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहूंगा। तो हम दूसरे अंदाज में बोलते हैं ना आरजे प्रोडक्शन हाउस बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम लेके आए राजसी रिसोर्ट्स में और आप चाहे आप में से कोई भी चाहे तो यहाँ पर अपना कोई भी गेट टुगेदर अपने घर का कोई फंक्शन कर सकते हैं। चलिए खुशी में ये गाना मैं फिल्म आशिकी का गीत सुनाने जा रहा हूँ दिल का आलम में तो मैं क्या बताऊँ अगर अच्छा लगे तो मुझे गाना बजाना आता नहीं लेकिन मैं एंटरटेनमेंट कर सकता हूँ प्लीज सर सर पुरानी मान जाए आवाज पड़ा थैंक यू कुछ बात ना हो पाई है मैं शादी अगर करता हूँ उसमें हम दोनों की रुसवाई है उसमें हम दोनों की रुसवाई है दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे आलम मैं क्या बताऊं तुझे में इतहानी है
नहीं मैं नाम है मेरा मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है अरे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे चेहरे में मोहब्बत एक चेहरे में मोहब्बत प्यार से देखा मुझे क्या बात है और मैं श्याम जी को बुलाना चाहूंगी इसके बाद Thank you.
थैंक यू सो मच। हल 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 क्या बात है, इतना खूबसूरत गीत। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अन्नारी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनारी। चमन उजड़ के देखा, प्यार का रंग उतरते देखा, हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे बरते देखा। दिल पे मरने वाले मरे हैं भिखारी, दिल पे मरने वाले मरे नारी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे सौ सौ पहरे देखे, तेरे टूटे से पूछो क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनारी। सो मच। सबसे पहले अभी को थैंक्स कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और हम सबको ये मौका दिया कि हम यहाँ आके दो दिन अच्छे से स्पेंड करें और अपना शौक भी पूरा करें। थैंक यू सो मच अभी, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत मेरी तरफ से। सुबह से स्वागत तो कई बार हुआ है, लेकिन सभी दोस्तों से मिलके बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत अच्छे हैं और दिल्ली दिल वालों की है, ये आप लोगों ने भी प्रूव किया है। सबसे आप लोग बहुत घुल मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से सबको रीच कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। उज्जैन वाले भी कम नहीं है। जय महाकाल। रहा नहीं जा रहा आपको देखिए, एक शेर याद आ गया, कह दें कि सो बार इधर देखा है और उधर देखा है, सो बार किनन इधर देखा है और उधर देखा है, तब कहीं जाके सबसे नजर मिला के तुम्हें एक बार देखा है मेरी जान। क्या बात है, जोरदार तालियां किनन के लिए, खूबसूरत। स्वीकार किया मैंने फिल्म का, लता जी का बहुत खूबसूरत गीत है, कोशिश कर रही जवानी की हूँ, तू हो सा
बस एक बार होठों से अपने लगा लो ना, बस एक बार होठों से अपने लगा लो ना, कोई सुर तो जागे, कोई सुर तो जागे मेरी धड़कनों में, कि मैं अपनी सरगम लेना। देखिए आपको ऑडियंस की तालियां ही बता रही होंगी, किनल जी बड़ा खूबसूरत क्या बात है, क्या बात है। सचिन जी अपना स्थान ग्रहण कीजिए, और लता जी ने अपनी खूबसूरत आवाज दी थी और गीत लिखे थे नक्श लैलपुरी साहब ने, और इत्तेफाक की बात है कि फिल्म को कंपोज भी जयदेव वर्मा साहब ने किया था और फिल्म भी उन्होंने ही बनाई थी। शुक्रिया, ये बहुत ही जानकारी होती है, कभी भी आप गीत गाइए फिल्म के बारे में जानकारी रखना जरूरी आपको होता है ताकि आप लोगों का अपनी नॉलेज बढ़े। चलिए अगले कलाकार को सुनते हैं। रूपों से व्यापार बनता है, दिल से दिल मिल जाए तो प्यार बनता है। रूपों से व्यापार बनता है, दिल से दिल मिल जाए तो प्यार बनता है। जिसको नॉलेज हो गई सुर लय ताल की, जिसको नॉलेज हो गई सुर लय ताल की, वो आगे जाके कलाकार बनता है। जुगल जी सॉरी, मेरे दिल की दासता, मेरे
तेरी प्यास लेकर आ रही है मस्तियाँ, नहाए कुंडली राह भरे बुध मंदिर, पीछे रह गई मुश्किल साथ जो आए तुम, राह भरे बुध मंदिर। ये गाना राजदेश के बना हुआ है, टोटल नोट इसके राजदेश के। पंछी उड़ गए सब नाग नगमा यार का, लेकिन दिल ने तो जाल बनाया प्यार का, उड़ने न पाए तुम राह बने खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल साथ जो आए तुम, राह बने खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल साथ जो आए तुम। थैंक यू। Oh,
मेरे घर का कोना कोना राम नाम से